एमआई वर्सेस यूपी द बेस्ट टीम इन द कंपटीशन वर्सेस वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स, तो थोड़ा तो ट्रिकी होगा आपके लिए. और इस मैच में तो एक्चुअल में दो डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा ट्रिकी है, तो जहां पे भी आप अटक जाते हैं फिर स्कूट आउट पे आ जाते हैं. हेलो वेलकम बैक टू स्कूट आउट पावर डिवीजन 11. आई एम अक्षय पटेल. आई हैव अ विजन टू प्ले माय गेम. अब बारी आपकी है. डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है. इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें. मैं हूं पीयूष शर्मा और एज यूजुअल हमारे साथ में स्काउट्स. लेकिन वो बोलते ना, सिंगल्स को डबल्स पे कन्वर्ट कर दो, डबल्स को ट्रिपल्स में. हमने ट्रिपल को सीधे बाउंड्री में कन्वर्ट कर दिया, चार हो गए हम आज एक साथ. तो प्लीज वेलकम मिस्टर प्रतीक गुस्सा, आशीष मीना एंड अनुराग द्विवेदी. हेलो फ्रेंड. तो अनुराग भाई, हमने ना यहाँ पे वो नया वो निकाला हुआ है, अभी ट्रेडिशन बन गया हमारा कि सब अपने अपने स्टाइल में इंट्रो करते हैं. तो प्रतीक भाई का है हेलो फ्रेंड्स वर्ल्ड फेमस, तो प्रतीक भाई प्लीज एक बार. हेलो फ्रेंड्स, आशीष भाई का है स्वागत है आप सब. आशीष भाई, स्वागत है आप सबका. अनुराग भाई आपकी टर्न है. वेलकम बैक टू द वीडियो में, कि तो आप सब अच्छे होंगे. स्वागत है एक बार और नई फ्रेश वीडियो में. आप भी बोल दो अपना फैंटेसी गीत वाला. अरे कौन आ रहा है पीयूष भाई कौन आ करवाते हैं, पीयूष रहा भाई कुछ नहीं करते. है. तो प्रतीक भाई का, तो प्रतीक भाई का तो आशीष वाला है ना एकदम. नहीं, भाई बिल्कुल अलग है. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नहीं स्वागत है आप फिर सबका. ऐसे नहीं, स्वागत आप सबका. तो स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में, और ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं. चलते हैं सीधे कैप्टनसी चॉइसेस पे. लास्ट मैच में हम सबकी कैप्टन थी तालिया मेहता, और पता नहीं क्या वो बोलेंगी नहीं, किसी को पता है क्यों नहीं. अगर पता है, मैंने नहीं किया था, मैंने क्लीन यहाँ पे स्वीप. हम जो थे, हमने जिन्होंने बात की थी, आपकी बात अलग है सर. आप हम लास्ट हमने प्रीव्यू किया था, अनुराग भाई की नहीं थी, उन्होंने लास्ट मोमेंट में चेंज कर दी थी. टीम में वही डाली थी लेकिन बाद में चेंज कर दी थी. तो लेकिन हमने दीप्ति शर्मा सोफी एलिस्टन की बात की थी कि बॉलिंग फर्स्ट में आप जरूर उनको कैप्टन बना सकते हैं, इस मैच में भी बना सकते हैं, और रीजन इस मैच में भी है आपके पास में. लेकिन तालिया मैग्रा बॉलिंग क्यों नहीं की थी वो बताना. वैसे लॉजिकली रीजन यही था कि यूज विकेट था, स्पिनर्स को हेल्प थी, और लीजा स्ले करने बाद में बोला भी था कि क्योंकि थोड़ा सा स्लो हो रहा था विकेट, तो हमारे जो स्पिनर्स थे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स ऑलरेडी है, तो उन्हीं को हम यूज करना चाह रहे थे. और ग्रेस हैरिस ने पूरे चार ओवर्स किए थे, जो हमने बात भी की थी कि अभी तक बॉलिंग नहीं किया बट जरूर करेंगे. इनफैक्ट स्मृति मंदना के अगेंस्ट भी करेगी, क्योंकि हमने बताया था दो विकेट ले चुके हो ऑलरेडी उनके. तो अब इस मैच में कैप्टन किसको बनाना है, क्योंकि आपके पास नैट चीवर है, हिली मैथ्यूज है, मिलिया केर है, तालिया मैग्रा है, और कौन कौन है, दीप्ति है, सोफिया क्लिसन है, भरे पड़े. बताओ किसको बनाना है कैप्टन. स्टार्ट करते हैं अनुराग से, स्टार्ट करते हैं इस बार ताकि चेंज ना कर ले. कैप्टन तो मैं नडल स्कैबर को ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो बैटिंग से थोड़ा अच्छा, मतलब टॉप ऑर्डर में ही खेलेंगी तो बैटिंग से थोड़ा पॉइंट दे देंगी, और बॉलिंग तो वो बॉलिंग मेरे लिए बोनस रहेगा. कल जैसा कि मैं परसों मैं एलिसा हिली के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस था कि वो आज रन बनाएगी, 70-80 मार देगी, वैसे आज मुझे लग रहा कि स्कैबर आज रन मारेगी और साथ में बॉलिंग कराएगी तो विकेट्स मिलेंगे, वहां से मैं बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, तो कैप्टन मैं उसी को रखूंगा. वाइस वाइस कैप्टन बता दो साथ के साथ. कैप्टन दीप्ति शर्मा को करूंगा, क्योंकि वैसी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखी अब लास्ट मैच में भी मैंने वाइस कैप्टन किया था, अच्छा परफॉर्म किया था, और आज भी अच्छी उम्मीद है कि अच्छे ही करेंगी, तो वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा को बनाऊंगा. आशीष भाई, वो वापस स्कूल वाले हम चल जाते हैं वन लाइन आंसर पे. कैप्टन कौन, वाइस कैप्टन कौन? कैप्टन यहाँ पे मैं करूंगा हैली मैथ्यूज, वाइस कैप्टन मेरे पास रहेंगे यहाँ पे नेट सिविल ब्रांड. बहुत बढ़िया प्रतीक भाई. हेली मैथ्यूज कैप्टन, वाइस कैप्टन में स्प्लिट बिटवीन नैट स्क्यूअर और सोफिया एक्रिस्टन. एक्रिस्टन फोर फर लेकर आ रही है, क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, यहाँ पर थोड़ा परेशान कर सकती हैं, तो वहां पे थोड़ा सा टाइट रखूंगा. फिलहाल तो परेशान हमारी जनता हो रही है, इतने सारे वैसे सबने अलग अलग ऑप्शन ले लिए कि वो कौन से चूज करें, तो थोड़ा और इजी बनाते हैं आपके लिए. हेली मैथ्यूज पहले बॉलिंग कर रही है और उसके बाद चेज करेंगे, एक अच्छी ऑप्शन रहेंगे. ओवरऑल अगर आप मैचअप देखेंगे, बॉलिंग मैचअप्स काफी अच्छे हैं. इनफैक्ट एलिसा हीली की हमने काफी बार बात की है कि ऑफ स्पिन गेम स्ट्रगल करती है, वो 8 इनिंग में 4 बार हेली मैथ्यूज उनको आउट कर चुकी है. इनफैक्ट नैट चीवर ने भी काफी बार आउट किया है, तो हेली मैथ्यूज की क्योंकि बॉलिंग वैल्यू ज्यादा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है एक और स्लो विकेट होगा ये, और अगर आप नीचे के जो बैटर्स हैं लोअर ऑर्डर के उनके अगेंस्ट उनके नंबर्स काफी अच्छे हैं, तो हेली मैथ्यूज, हालांकि उनके खुद के बैटिंग के मैचअप से कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है लेकिन सेफ है. उसके अलावा नैट चीवर जो कि बहुत ही पॉपुलर कैप्टन चॉइस है, यहाँ पर भी नंबर टीम पे बैटिंग करेंगी, ओवरऑल मैचअप्स भी बॉलिंग मैचअप्स अच्छे हैं, और एक ओवर हो सकता है डेथ में बॉलिंग भी कर ले. लास्ट मैच में लगी थी, दो कैचेस ड्रॉप हुए थे उनकी बॉलिंग पे,
और कैप्टन थी मेरी, बहुत दुख हुआ। तो उनके साथ आप जा सकते हैं। अब दीप्ति शर्मा, सोफी क्लिस्टन, क्या वो खराब चॉइस है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो पहले बॉलिंग कर रही है तो आप फिर से दीप्ति शर्मा या सोफी क्लिस्टन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। अगेन सोफी के नंबर्स इस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वो हेली मैथ्यूज हो, कुछ 13 साढ़े 13 का एवरेज है। एमिलिया केर की बात करें, उनके अगेंस्ट 9.5 का एवरेज है, और बहुत सारे ऐसे बैटर्स आपको नीचे भी मिलेंगे। इनफैक्ट यष्टिका भाटिया, जो कि आपको कॉल लेना पड़ेगा कि आपको पिक करना है नहीं, एक इनिंग खेली उन्होंने भी T20s में, उनको आउट सोफी एक्लिस्टन ने वहां पे भी किया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया मैचअप है, बॉलिंग फर्स्ट में आप जरूर उनको मना सकते हैं। अब चलते हैं बहुत ही ट्रिकी एक ऑलराउंडर जो आपको इस मैच में ड्रॉप करना है, जो हम बाद में टीम बनाएंगे तब डिस्कस कर लेंगे, बट अभी क्योंकि बड़ा मुद्दा वही है और हो सकता है इसे डिसाइडिंग फैक्टर हो आपके लिए, तो स्टार्ट करते हैं। अनुराग, कौन सी ऑलराउंडर होगी जिसको आप ड्रॉप करोगे? चलिए, मैकग्रा क्लियर है, मैं उसी को ड्रॉप करूंगा। इवन लास्ट मैच में वो क्या था ना कि तब तो हमें ड्रॉप करने का ना जरूरत नहीं थी, तो हमारे पास जगह थी फोर्थ ऑलराउंडर की, तो मैंने टीम में रखा था। पर मैंने लोगों से भी बोला था कि आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन तो ना ही बनाना, मतलब मुझे नहीं लग रहा परफॉर्म करेगी तो फिर क्यों बनाना। तो फिर बस टीम में रख लिया था कि ओपोनेंट्स की कैप्टन होगी, अगर एक विकेट भी ले लिया तो हम 30 पॉइंट से पीछे हो जाएंगे एकदम, तो बस टीम में रखा था। बट लास्ट मैच में जैसा बॉलिंग ही नहीं मिली तो फिर अब जैसे विकेट स्लो हो रहा है, आपने बताया रीजन, तो इस वजह से बॉलिंग मिली नहीं, हो सकता है कि आज भी ना मिले या कम मिले, तो वो चीज़, हाँ ये देखना पड़ेगा। हालांकि चंदन में स्मिथ लाइनअप में थी नहीं, मुझे लग रहा था कि पूरे ओवर डाल सकती हैं तहलिया तहलिया, तो लेकिन वो उल्टा हुआ, तो एक बार लाइनअप देखूंगा, बट देखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट मोस्ट प्रॉब्ली मैं ड्रॉप ही करूंगा क्योंकि 4 ही ले सकता हूँ। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा टीम बना के, तो हम क्यों तालिया मैकग्रा के ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो ऑलराउंडर्स हैं, जो फिलहाल ऑलराउंडर सिक्स में हैं, वो ऑफकोर्स नैटसीवर है, तालिया मैकग्रा, दीप्ति शर्मा, अमेलिया केर, हेली मैथ्यूज और अभी देविका वैद्य भी आ गई जो लास्ट मैच ओपन की थी। हालांकि देविका वैद्य शायद अभी भी पॉपुलर चॉइस ना रहे, बट बाकी तो है और एक तो ड्रॉप करना पड़ेगा। तालिया मैकग्रा को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। सामने मैचअप्स अगर आप देखेंगे अगेंस्ट नैटसीवर, 3 दिन चले अगेंस्ट अमेलिया केर है, तो आपके पास नंबर्स तो है बैक करने के लिए, उनको ड्रॉप करने के लिए, लेकिन अगर वो बॉलिंग करने आ गई, क्योंकि सेकंड पेसर जो है इस लाइनअप में वही है अंजलि सरवनी के बाद, तो हो सकता है विकेट भी ले जाए क्योंकि बॉलिंग मैच उसकी बुरे नहीं है, और क्योंकि सेकंड अगर वो पेसर होती है तो हो सकता है डेथ में भी आ जाए एक दो ओवर्स करने, हालांकि दीप्ति और सोफी ऑलरेडी है। आशीष भाई, किसको ड्रॉप कर रहे हो? यहाँ पर मैंने टैक्टिकल डेटा जब चेक किया था, मेरे समझ में आया कि यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर है मुंबई का बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मैं चाहूँ तो यहाँ पर दीप्ति को भी ड्रॉप कर सकता हूँ, स्पेशली बॉल सेकंड वाली कंडीशन के अंदर। और मैं ब्रेबॉन पर, यहाँ पर रन बहुत ज्यादा मतलब फिटते हैं बॉलर्स के, और सबसे ज्यादा इकोनॉमी भी यहाँ पर बॉलर्स की रहती है, और फिर बात आती है बाउंड्रीज भी छोटी है। तो यहाँ पे मैं दीप्ति या फिर अमेला खैर पर रिस्क लूंगा। तो अमेला खैर बैटिंग से अच्छे खासे पॉइंट्स दे ही रही है, रन भी बना रही है, तो थोड़ा सा दीप्ति और यहाँ पे अमेला खैर पे मेरा कॉल रहेगा, जो सबसे अलग रहेगा कॉल, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। दीप्ति बॉलिंग सेकंड, तो फिर वही बात है कि मैं उनको ड्रॉप कर सकता हूँ। दीप्ति को बुरी देना चॉइस एक्चुअली नहीं है, क्योंकि मतलब आप क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट में आपको पता है वो डेथ में बॉलिंग करेंगी। अभी विद द बैट बहुत ज्यादा कुछ खास अच्छी लगी नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है एक अच्छी नॉक आएगी उनकी विद द बैट। इस मैच में आ गई तो फिर आशीष भाई आप रैंक बदल देखना। प्रदीप भाई, किसको ड्रॉप करोगे? मैं तैला मगर को ड्रॉप करूंगा। ब्रबॉन पे बैटिंग एवरेज भी काफी लो है, 12 का एवरेज है, 90 का स्ट्राइक रेट है, तो ब्रबॉन की विकेटिंग तो सूट नहीं, सो फार तो सूट नहीं करी है, प्लस बॉलिंग हमने देखा था लास्ट गेम में नहीं आई थी, तो आई विल बैक की बिकॉज मुंबई को बैक करूंगा एज फेवरेट, उनके जो तीनों ऑलराउंडर है उसको पिक करके, एंड देन वहां पे दीप्ति शर्मा को मैं बैक करूंगा। जी हाँ, तो तालिया मैकग्रा एक अच्छी ऑप्शन है जिन पे आप रिस्क लेना चाहें अगर वो बॉलिंग नहीं करती है तो, और बॉलिंग कब नहीं करेगी अगर यूज विकेट होता है तो। यूज विकेट पे ज्यादा चांसेस है कि उनके स्पिनर्स ज्यादा बॉलिंग करें और उनकी जो बॉलिंग वैल्यू है तालिया मैकग्रा की वहाँ कम हो जाएगी, बट ऑप्शन आपके पास दीप्ति शर्मा को भी ड्रॉप करने का है। इनफैक्ट आप अमेलिया केर को भी ट्राई कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट में, क्योंकि बैटिंग से शायद चेज करते हैं उनकी बैटिंग आए ना आए, क्योंकि हरमनप्रीत कौर की नहीं आ रही अभी, और अगर वो 2-3 ओवर्स अमेलिया केर के निकल गया बॉलिंग फर्स्ट में तो वो भी हो सकता है कि आपके लिए वो पॉसिबल कैंडिडेट बन गए, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग। फिलहाल के लिए चलते हैं बेस टीम पे, विजन 11 की टीम बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहले आपके पास जो मिलेंगी विकेट कीपर सेक्शन में वो ऑफकोर्स है हिली और यष्टिका भाटिया। यष्टिका भाटिया लास्ट 2 मैचेस परफॉर्म करके आ रही है, विकेट कीपिंग से वैल्यू है वो वहां पे काफी, हिली मैथ्यू जैसे लास्ट में आती है तो वहां पे स्टम्पिंग के पॉइंट काफी मिल जाते हैं, और विद द बैट भी काफी अच्छी लगी है, बट इस बार एक ही चूज करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आप 4 ऑलराउंडर्स लेके जा रहे हैं।
सब अपने अपनी विकेट कीपर बोल दो वन वर्ड आंसर में. क्या बात है, क्या बात है, अब मिला मसाला. हाँ तो प्रतीक भाई, क्यों यस्तिका और क्यों हीली नहीं? यार हीली स्ट्रगल करी है अगेंस्ट मैथ्यूज एंड स्क्वेयर बूथ, दोनों उनको ऊपर नजर आएंगे मतलब. एंड जैसे मैंने कहा था पहले भी कि हीली फ्रेंचाइजी क्रिकेट में इतना बढ़िया नहीं करती है, लास्ट गेम में बहुत तगड़े रन मारे वो, इसीलिए भी कि अगर वो एक बार टिक जाती है देन यू डोंट हैव टू लुक बैक, मतलब देन तो ना रैंक देखना है ना स्कोरबोर्ड देखना है. बट जो कंसिस्टेंट अभी जो फॉर्म है ओवरऑल अगर आप देखो तो लास्ट वाले मैच को मैं एक अबरेशन मानूंगा एंड आई विल ड्रॉप हर. यस्तिका अच्छे फॉर्म में है, बैकिंग मुंबई टू विन वंस अगेन एंड हेंस आई विल गो विद हर. क्या बात है, ठीक तो... भाई का अगला अपार्टमेंट अगला फ्लैट भी मुंबई में ही होगा. वो मुंबई ही रहते हैं भाई. अच्छा मुंबई ही रहते हैं तो वही तो. जैसे जैसे आकाश सर दिल्ली से हैं लेकिन मुंबई में काम करते हैं, वैसे ही मुंबई से हैं काम दिल्ली में करते हैं. हमारे स्काउट्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल ही जाएगा दिल्ली मुंबई. आशीष भाई मुंबई रहते हैं, वैसे है ये भी राजस्थान से ही, और अनुराग भाई है तो यूपी से लखनऊ से लेकिन जयपुर आते जाते रहते हैं. ये तो खैर दुनिया भ्रमण करते रहते हैं. तो चलते हीली के मैचेस पे. जैसा प्रतीक भाई ने बोला ऑलरेडी वो स्ट्रगल करती हैं अगेंस्ट ऑफ स्पिन स्टार्टिंग ऑफ इनिंग्स, और चार बार ऑलरेडी हीली मैथ्यूज आउट कर चुकी हैं, चार बार नैट फीवर आउट कर चुकी हैं, तो थोड़ा तो चांस लेना बनता है. बट मैं नहीं लूंगा क्योंकि अगर चांस लेना ही है दोनों में से तो यस्तिका भाटिया ड्रॉप करने का लूंगा. क्योंकि हो सकता है हीली तो एक बड़ी नॉक खेल सकती है बट यस्तिका भाटिया से आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते कि एक अटैकिंग को एक बहुत लंबी इनिंग खेले. सामने सुफी क्लिस्ट ने एक ही वो मैचअप है जब वो एक बार खेली थी उन्हें आउट कर दिया था. मुझे लगता है दीप्ति शर्मा या ग्रेस हैरिस विद अ न्यू बॉल भी उनके अगेंस्ट जो है एक विकेट टेकिंग थ्रेट हो सकती है. तो फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ यस्तिका भाटिया के साथ. नहीं प्रतीक भाई जा रहे हैं यस्तिका भाटिया के साथ, मैं जा रहा हूँ हीली के साथ. बैटिंग सेक्शन बहुत स्ट्रेट ऑप्शन है, ग्रेस हैरिस, हरमनप्रीत कौर, और तीसरी बैटर के लिए आपके पास ऑप्शन है ही नहीं. श्वेता सहरावत जो कि अंडर 19 ओपनर है, लास्ट मैच ओपन करने नहीं आई, तो आपके पास बचती है केपी नवगिरी. अगेन उनकी बैटिंग नहीं आई थी बट क्योंकि हो सकता है नंबर 3 पे वही आए, तो स्ट्रेट ऑप्शन. अब इन तीनों में से आप कुछ चेंज करना चाहेंगे किसी और बैटर को? नहीं, मैं तो चेंज नहीं करूँ. हाँ अगर श्वेता सहरावत अगर ओपन करती हुई दिख गई तो मन हुआ तो कुछ रिस्क लेने का तो भले ही वो ट्राई कर लिया, क्योंकि मैंने देखे थे उसके पुराने कुछ नंबर्स तो उसमें कुछ लंबी लंबी पारी थी वो नॉट आउट वाली, तो मैंने कहा यार जब जब मारो तो फिर नॉट आउट ही जाओ तो वो बढ़िया सीन है. लेकिन अभी ट्राई नहीं करूंगा जब तक ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में नहीं देखता एक बार कि कौन कैसे प्रेशर हैंडल करता है. तो किरण नावगिरे जी हाँ, नॉट आउट वाली जो पारियों की बात करें, अंडर 19 वर्ल्ड कप में काफी रन किए थे उन्होंने, काफी कंसिस्टेंटली किए थे, उसी का रीजन था कि एक टाइटल हमारे पास अभी है. नैट सीवर, दीप्ति शर्मा जो कि शायद आशीष भाई ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं बाद में, अभी के लिए हम लेके चलते हैं, हमें नहीं पता कि बॉलिंग फर्स्ट कर रही है सेकंड. हेली मैथ्यूज और अमेलिया केयर, तो अभी तालिया मैग्रा हमारे लाइनअप में नहीं है, आप चाहे तो उन किसी को भी हटा के उनको ले सकती हैं. और देविका वैद्य है, देविका वैद्य मुझे नहीं लगता कि आप ले पाएंगे. अगेन वन वर्ड आंसर, कौन आउट करेगा देविका वैद्य को? अनुराग भाई कौन आउट करेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है इसी वॉन्ग निकाल लेगी, क्योंकि वो मुझे उम्मीद है फिर से ही हो सकता है ओपन करे, अगर ओपन कर रही है तो फिर इसी वॉन्ग निकाल लेंगी. इसी वॉन्ग लेकिन बहुत बढ़िया बॉलर है, मस्त थोड़ा बैटिंग ऊपर आया कर, ये भी ऑलराउंडर में आ जाए मजा आ जाए, फिर दो दो ड्रॉप कर. ये अनुराग भाई का वन वर्ड आंसर था. आशीष भाई वन वर्ड आंसर, कौन आउट करने वाला था? वैद्य हेली मैथ्यूज. प्रतीक भाई हेली मैथ्यूज. हेली मैथ्यूज एक और वर्ड. चलो चलते हैं अब बॉलिंग सेक्शन पे. सोफिया क्लिस्टन है कोई जो ड्रॉप करने का रिस्क लेगा, जो पैसे देगा अपने ओपोनेंट को? कोई नहीं है पैसा इसके बाद आपके पास इसी वॉन्ग है और साइका इशक है. ये तो तीन आपके पास स्ट्रेट बॉलर्स हो गए अगर आपको बिल्कुल आग बंद कर पिक करने हैं. अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं पूजा वस्त्र करके जो कि एक या दो ओवर मैक्स कर रही है, बैटिंग आने रही है, और इसके अलावा राजेश्वरी गायकवाड़ जो कि एक एक विकेट दोनों मैचेस में लास्ट लेके आ रही है, और अंजलि सरवनी है. अंजलि सरवनी वैसे सीनियर वुमेन्स T20 जो चैलेंज जो हुआ था उसमें टॉप विकेट टेकर थी और डोमेस्टिक में बहुत रेगुलरली विकेट लेके आ रही है. उसके बाद इंडियन टीम में आई थी और जहाँ पे खेली थी इन्हीं विकेट्स पे खेली थी. ऑफकोर्स ब्रेबॉन डीवाई पार्टी में जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिले थे बट लेकिन लास्ट मैच में अगर आपने बहुत अच्छे से मैच देखा, हमारे पास तो काम है नहीं वही करते दिन भर, तो काफी अच्छे टच में लगी थी और लास्ट के अंदर अपनी जो वेरिएशन है वो सही ठिकाने पे बिल्कुल पड़ रहे थे उनके, तो एक झलक दिख रही थी कि शायद आगे आपको कुछ बड़ा होते हुए दिखे.
तो ये तीन बॉलर है, इसमें क्या आप कुछ चेंज करना चाहेंगे? अगेन वन वर्ड आंसर, अनुराग भाई। आशीष भाई जी नहीं। प्रतीक भाई ऑलरेडी हम ले चुके हैं सोफी एक्लिस्टन, इसी वॉन्ग, साइका इशाक, इसमें से आप किसी को ड्रॉप करके किसी और को लेंगे? हीरो नहीं बनेगा, हीरो नहीं बनेगा, बन गई ये टीम, हो गया हमारा काम, कल मिलेंगे अब, ओके बाय। तो कैप्टन चॉइस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जाने से पहले क्या आप ऐसी कोई प्लेयर आपको लग रही है इस मैच में चांस लेना बनता है? ये तो हमने 7-4 वाला कॉम्बिनेशन की बात कर ली है, अगर आप जो नए कॉम्बिनेशन रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो आप जरूर एक बैटर को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर या फिर बॉलर लेना जरूर आप चाहेंगे। तो इन दैट केस केपी नवगिरे की जगह क्या कोई और ऑलराउंडर या फिर बॉलर आप पिक करना चाहेंगे? अगेन वन वर्ड आंसर, अनुराग भाई। हाँ कर सकते हैं, ग्रैंडलिंग जिनको जिनको खेलना है, जहाँ पर आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो वहां पर करो। मैं खाड़ा पे खेल रहा हूँ, मैं विजन इलेवन पे खेल रहा हूँ, तो मैं वहां पर नहीं ले सकता ना, तो मैं सोच ही नहीं रखता वो कि मैं एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी है जहां पर मैं 5 ऑलराउंडर को रखूं टीम में, मैं सोच ही नहीं रखता, मैं भूल गया। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका रीजन, उसका रीजन है वहां से फिलिड भी तो नहीं आ रहा। आशीष भाई वन वर्ड आंसर। तो 5 ऑलराउंडर लेके जाऊंगा मैं देविका वैद्य को लीव करके। प्रतीक भाई एक बैटर छोड़ के किसको, बॉलर या फिर ऑलराउंडर या फिर एक्स्ट्रा विकेट कीपर? तैला मेगरा इन दैट केस, बिकॉज काफी लोग लेकर आएंगे तो फिर मतलब क्यों वहां पे रिस्क लेने का। काफी लोग लेके आएंगे, काफी लोग कैप्टन बना के आएंगे, काफी लोग अभी वाइस कैप्टन बना के आएंगे, और काफी लोग ऐसे भी होंगे जो ड्रॉप भी करके आएंगे, तो आप कौन सी कैटेगरी में कमेंट करके बता दो। तो उन प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप 4-7 ऑलराउंडर ले सकते हो बहुत इजीली ले लो एक बैट्समैन ड्रॉप करके, और जहाँ पे नहीं ले सकते वहां तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई आपको ओपन तो ड्रॉप करके आ ही रहा है, कहीं ना कहीं वो भी रिस्क लेके आ रहा है, आपको भी लेना पड़ेगा। जिसका जिस दिन चल गया रिस्क वो जीत जाएगा, क्योंकि थोड़ा तो लक इन्वॉल्व है। हम कितना ही यहाँ पे नंबर डिस्कस कर ले, कितना ही दिमाग लगा लें और कुछ भी कर ले, बट एट द एंड ऑफ द डे वो लक वहां आ ही जाता है। रिस्क लेके जीतने का ना अलग मजा है, पिछले 16 में रिस्क लेके मजा आ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सब कैप्टन कर रहे थे शदाब खान को पीएसएल में, और सबके टीम में फेमस है, मैंने दोनों को ड्रॉप किया, क्या कंफ्यूज है साला, इन्हीं को हटाओ, भला टल जाए, या तो एक तरफा जीते की तरफा आ रही, तरफा जीत गया, रसो को कैप्टन कर दिए, बाबर आजम को, और ये सैम आयुब को, और ये रिजवान को कैप्टन मैच नहीं किए, कुछ लोग को टीम में ही नहीं रखे, एक तरफा जीत लिए, तो सब किस्मत साथ दे तो इस काम आते हैं। लेकिन ये ऐसे रिस्क लेने में जब किस्मत साथ नहीं देती है ना, तो लगातार आप 8-10 मैच हारते हैं और आपका वर्ल्ड बैलेंस होता है खाली हो जाता है, फिर आपको जाना पड़ता है कहीं ट्रिप पे शांति के लिए। ये अनुराग भाई का मोनोलॉग पूरा सुनना, आधा मत सुनना, पूरा सुनना। तो अगर आपका मोनोलॉग कंप्लीट हो गया है तो हम आगे चलते हैं, या फिर मुझे लगा कि बिल्कुल कार्तिक आर्यन जैसा भी लंबा चलने वाला हो। तो फिलहाल आज की स्पोर्ट्स स्काउट्स में इतना ही, और जाने से पहले हमारा गिव अवे, और जो हमारे नए गेस्ट थे वो पूछेंगे गिव अवे का क्वेश्चन। तो अनुराग भाई वोट है, यस्तिका भाटिया कितने रन बनाएगी इस पे लगा लो। बहुत अच्छे, शुरुआत करिए फिर। मुझे लग रहा है, अरे वन वर्ड आंसर देना होता है यार, आप लंबा खींच जाते हो 500 वर्ड का आर्टिकल देने। ठीक है 7, जब मैं हूं तो ऑडियंस पूरा 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 एपिसोड देखेगी। हाँ हाँ, हमें तो कोई सुनने थोड़ी आता है, हम तो कहानी सुना रहे हैं, चंदा बंदा जोक सुना रहे हैं। तो आशीष भाई बताइए। 15। प्रतीक भाई 33। भाई इनकी टीम से तो नहीं हटा सकता कोई आज। नहीं नहीं, और 33 का सोच किया कि इतना करेगी तब भी अलीसा हेली को नहीं लिया, वो तो लंबा भी खेल सकती है प्रतीक भाई। अरे विकेट पीछे कैचेस स्टंपिंग भी तो आएंगे ना। ये पॉइंट तो है, विकेट गिविंग वाले तो दोनों के साथ ही है, और यस्तिका भाटिया के साथ थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब हेली मैथ्यूज आती है मिले खेलाती है तो बहुत सारे बैटर्स जो है बाहर निकल के उनको मारने का ट्राई करते हैं, जो कि शायद दीपी और सूफी के केस में इतना नहीं करते, तो विकेट गिविंग वैल्यू वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो मैं चले जाता हूँ फिलहाल 11 रन यस्तिका भाटिया के साथ, और आपको क्या लगता है कितने रन करेगी कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो लास्ट गिव अवे के विनर है आपकी स्क्रीन पे है, लास्ट मतलब लास्ट से लास्ट एपिसोड की, क्योंकि एक दिन पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ये एपिसोड, और आपको विनर स्क्रीन पे मिल जाएंगे, कमेंट करके बताइए जितने आपको रन लगते हैं, अगर आप एग्जैक्ट हुए फास्टेस्ट हो तो जीत जाएंगे, कोई एग्जैक्ट नहीं हुआ तो जो क्लोजेस्ट हो वो जीत जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए, उम्मीद करते हैं आगे के प्रीव्यूज में आप दिखाई देते रहेंगे। आपका शुक्रिया सुबह सुबह में जगाने के लिए। सुबह 12 बज रहे हैं और इनकी सुबह हुई है, 12 बजे सुबह होती है, ठीक है, आप सब आराम से अपने घर पे भी सोया करो, क्योंकि सुबह का टाइम जो है वो चेंज हो गया है, अभी 12 बजे होने लग गई सुबह।
तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आगे प्रीव्यूज में जरूर सुबह उठ के आ जाना. ओके बाय.